एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि G20 में आने वाले गेस्ट का सफर कैसा होगा। आज का ये सफर शुरू होने वाला है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां रोड्स के दोनों तरफ ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है और साथ ही में G20 के बहुत सारे खूबसूरत 3D लोगो भी लगाए गए हैं, जो यहाँ पे आने वाले गेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये वही रास्ता है जहाँ से सारे गेस्ट होकर गुजरेंगे। एरो सिटी के पास बन रहे इस फ्लाईओवर के कुछ पार्ट को कवर करने के लिए इन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स को लगाया है, ताकि फ्लाईओवर के अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट को हाइड किया जा सके। इसके बाद आता है एरो सिटी, जहाँ पर मोस्टली ये सारे गेस्ट रुकेंगे। वैसे तो एरो सिटी वेल मेंटेन एरिया है, जहाँ बहुत बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स हैं, मगर G20 समिट के चलते इस जगह को और भी ज्यादा निखारा गया है। तो एरो सिटी के इस मेन चौराहे पर G20 के लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन्स भी लगाया गया है, और रात के समय ये लाइटिंग के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। मेहमानों को घुमाने के लिए यहाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप की लग्जरी गाड़ियों को भी मंगवाया गया है, जिसमें बैठकर ये दिल्ली, जयपुर, आगरा जैसे खूबसूरत जगहों के डे ट्रिप भी करें। उसके बाद आती है नॉर्दर्न एक्सेस रोड पे बनी ये टनल, जिस पर बहुत ही प्यारी पेंटिंग और खूबसूरत फाउंटेन्स लगाए गए हैं। यहाँ पे तोड़ा जा रहा है जबरदस्ती के बने हुए स्पीड ब्रेकर को, ताकि आने वाले मेहमानों की कमर में और तशरीफ में कोई दिक्कत ना हो। ये है IG रोड, जहाँ कुछ इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करती हुई स्टोन की मूर्तियां रखी गई हैं और साथ ही में फाउंटेन्स भी लगाए गए हैं। और इन्हीं रास्तों से होते हुए G20 के गेस्ट को इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत जबरदस्त झलक देखने को मिलेगी, फिर वो एयरपोर्ट लिंक मेट्रो हो या फिर ये फ्लाईओवर्स। और इन खूबसूरत प्लांटेशंस ने तो दिल्ली की रोड्स पे 4 चांद लगाने का काम किया है। इसके बाद आता है NHAI मॉन्यूमेंट, जहां बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फाउंटेन्स लगाए गए हैं और साथ ही G20 के 3D लोगोस भी। दिल्ली कैंट में तो शिवलिंग की शेप में रोड्स के दोनों तरफ फाउंटेन्स लगाए गए हैं। दिल्ली की रोड्स की खूबसूरती बढ़ाने के लिए
पूरी दिल्ली में लाखों की तादाद में प्लांटेशन किया गया है और पुराने प्लांट्स को हटाकर वहां पर नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। धौला कुआं के मेन चौराहे पर भी बहुत सारे फाउंटेन्स लगाए गए हैं। दिल्ली के हर बड़े चौराहे के ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी एलईडी की स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जिनके ऊपर G20 की वीडियोस लगातार चलती रहती हैं। और इसके बाद आती है दिल्ली की सबसे इम्पोर्टेंट रोड सरदार पटेल मार्ग, जिसे डेकोरेट करने का काम अभी भी चल रहा है। सरदार पटेल मार्ग जहां दिल्ली के सबसे बड़े होटल्स ताज होटल्स और ITC मौर्य हैं, यहीं पर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन और बाकी देशों के प्रेसिडेंट आकर रुकेंगे। यहां बड़े बड़े ऑफिशियल्स हर समय घूमते हुए दिख जाएंगे और ये वही एरिया है जो 3 दिनों के लिए पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। दिल्ली में इतने सारे फाउंटेन्स को देख के अब दिल्ली झीलों का शहर नहीं फाउंटेन्स का शहर कहलाएगा, अगर सारे के सारे ऐसे ही चलते रहे तो। इसके अलावा रायसीना रोड पर और अशोका रोड के ऊपर बने हुए होटल्स को भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है, स्पेशली रात के टाइम तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कलरफुल लाइट्स लगाई गई हैं और जितने भी यहाँ पे गोल चक्कर हैं सबके ऊपर कलरफुल फाउंटेन्स लगा दिए गए हैं। और आखिरी में G20 के सारे मेहमान मिलेंगे दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जिसकी वीडियो आप इस चैनल पर पहले ही देख चुके हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।